चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे लेकर लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर वोट मांगने वाले नेता चुनाव के बाद लोगों की तकलीफों से कैसे दूर भागते हैं, इसकी एक नजीर बिहार में देखने को मिली, जहां मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह अपनी कार छोड़कर बाइक से ही निकल गए ताकि उन्हें प्रदर्शनकारियों से बात न करनी पड़ जाए। दरअसल बेगूसराय में ANM कर्मी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर रविवार को गिरिराज सिंह डाक बंगला रोड के पास एक शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस बीच कैंटीन चौक के पास केंद्रीय मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने घेरने की कोशिश की, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री का काफिला नहीं रुका तब दर्जनों ANM गर्ल्स स्कूल पहुंच गई और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को सड़क पर ही घेर लिया। असल में स्वास्थ्य कर्मी केंद्रीय मंत्री को अपनी 12 सूत्री मांगों से अवगत कराना चाहते थे, लेकिन वो अपना मांग पत्र देते उससे पहले ही मंत्री जी ने अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक पर बैठकर निकल गए। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 22 जुलाई से बिहार चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले दर्जनों ANM कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मिशन कर्मी समान काम के बदले समान वेतन, राज्य कर्मी का दर्जा, महिला कर्मियों की सुरक्षा गारंटी, नियमित वेतन भुगतान, स्वास्थ्य केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं, फेस रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम को खत्म करने संबंधी अपनी कुछ मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।